देखिए यहाँ पे रायपुर में लगातार कांग्रेस का रेल रोको आंदोलन देखने को मिल रहा है, और दूसरे ट्रैक पे आप देखिए एक ट्रेन को यहाँ पर रोक दिया गया है। ट्रेन के ठीक सामने कांग्रेसी यहाँ पर लेट गए हैं और पुलिस के जवान उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पहली बार राजधानी रायपुर में इतना बड़ा प्रोटेस्ट रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है। ट्रेन क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी के द्वारा आज हम कांग्रेस पार्टी के द्वारा रेल रोको आंदोलन किया गया, जिसमें हम अपने युवा साथियों के साथ शामिल हुए। नरेंद्र मोदी का ये रवैया अपने उद्योगपतियों को इस तस्वीर को आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा पीछे हो जाते हैं क्योंकि चलती ट्रेन को यहाँ पे रोक दिया गया है। ये यात्री वहाँ अंदर बैठे हो सकते हैं, और इस नज़ारे को दिखा रहा हूँ क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में पूरे प्रदेश में रेल रोको आंदोलन कांग्रेस ने आयोजित किया है, और राजधानी रायपुर की यह तस्वीर है जहाँ कांग्रेस के नेता ट्रेन के सामने लेट गए हैं। ये पहली बार यहाँ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस ने रेल के लिए इतना बड़ा आंदोलन यहाँ पर किया है, और वो सामने देखे पुलिस के जवान लगातार उनको समझा कर पटरी से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी लगातार नाकामयाब होते नजर आ रहे हैं। और इधर ऊपर देखिए, ऊपर की तस्वीर देखिए, ऊपर भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और जो यात्री हैं वो ट्रेन पर बैठे हुए हैं। तो सोच लीजिए कि कितना बड़ा प्रदर्शन राजधानी रायपुर में किया जा रहा है, इतना बड़ा प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। लगातार ट्रेन रेल विभाग को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा पक्षपात किया जा रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ में झूठे वादे कर रहे हैं, और लाखों कांग्रेस के साथी रेलों की पटरियों के नीचे सो रहे हैं। आम आदमी, गरीब आदमी की सुविधा और सुरक्षा के लिए जो ट्रेन चलती है, जो उनको यात्रा कराती है, वो बंद है। साथ ही साथ करोड़ों लोगों के रोजगार छीन रहे हैं, जो रेल से जुड़े हैं, हम उसको चालू करने की बात कर रहे हैं। हम निरंतर कंटिन्यू ट्रेन चले, नरेंद्र मोदी जी जागे, उनके आंख में जो पट्टी बंधी है उसको खोले। कांग्रेस के लाखों साथी, महिला बहनें, युवा साथी, वरिष्ठ साथी सब आंदोलन कर रहे हैं। क्या क्या मोदी आने वाले, इसीलिए उनके पहले माहौल बनाया जा रहा है। लगातार हम लोग इसको लेकर, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी थी, हाँ। जो ट्रेन बंद है उसको लेकर, हाँ। रेल मंत्री को भी चिट्ठी लिखी, हमने DRM, स्टेशन मास्टर सब लोगों को हम लोगों ने दिया, लेकिन इनके कान में जू नहीं रेंग रही। ये वार्ता के लिए बुलाए थे आप लोगों को, ये जनता की पीड़ा को समझ नहीं रहे। कोई वार्ता के लिए नहीं, चुनाव है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ में आए, झूठे वादे कर रहे हैं। ट्रेन को क्यों नहीं चालू करते? 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने एक गाँव, हर गाँव तक रेल की पटरी बिछा दी, उसका जाल बिछा दिया, ट्रेनें चल दौड़ा दी, और 8 सालों में क्या हो गया, ट्रेन क्यों बंद हो गई, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं।